सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत करते हैं हम अपने एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए एक ऐसी जानकारी जो कि एक बाइक के बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है इस जानकारी से आप लोगों का, तो वीडियो को अंत तक कंप्लीट वो जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और गाइस सबसे पहले हम धन्यवाद दे देते हैं आप लोगों को, जिस तरह से आपने हमारी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देने वाले। दोस्तों आज पूरे देश के अंदर यामाहा की बाइकों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और आपको बता दें, आज से काफी साल पहले 90s के जमाने में बहुत ही जबरदस्त मॉडल RX 100 को पेश किया गया था और इस बाइक ने तो मार्केट के अंदर तहलका ही मचा दिया था। और दोस्तों हाल ही में फिर से दोबारा से यामाहा RX 100 बाइक को फिर से मार्केट में लॉन्च करने वाली है यामाहा मोटर। और दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारियां मिली है तो दोस्तों हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक कम्प्लीट वो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से यामाहा मोटर्स अपनी RX 100 को मार्केट के अंदर दोबारा से लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। और दोस्तों इसके शानदार फीचर्स और दमदार लुक के साथ में आपको यामाहा मोटर्स RX 100 में काफी अच्छे फीचर्स के साथ में मार्केट में लाने को तैयार हो चुकी है। और दोस्तों खरीदने के लिए बहुत ही कम इंतजार है। जी हां दोस्तों, बहुत ही जल्द मार्केट में आने वाली है। अगर बात करें इसके इंजन के बारे में तो बहुत ही पावरफुल इंजन होने वाला है। जिस तरह से पहले के जमाने में 90s के जमाने में था, सेम उसी तरह से ये इंजन होने वाला है, बहुत ही शक्तिशाली इंजन होने वाला है। और गाइस ये आपको 58 cc का बहुत ही बढ़िया पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है। दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में कंपनी जबरदस्त वेरिएंट को मार्केट के अंदर पेश कर सकती है। और गाइस आपको बता दें, इसका इंजन 70 nm की पावर जनरेट करके आपको काफी अच्छा माइलेज, मतलब 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी ये गाड़ी। जी दोस्तों, जिस तरह से प्लाटिना दे देती है, प्लाटिना भी समथिंग 80 का आसपास का दे देती है बजाज की बाइक, वैसे ही ये यामाहा RX 100 भी आपको इतना ही माइलेज देने वाली है। और गाइस पिछले जमाने में जिस तरह से बंद हो गई थी तो आप जानते ही होंगे कितनी खतरनाक बाइक थी, इस वजह से यामाहा मोटर ने इसको बंद कर दिया था। और दोस्तों इस वेरिएंट के अंदर आपको काफी अच्छे शानदार फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल स्पीडो मीटर और फोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी और शानदार फीचर भी शामिल हो चुके हैं इस गाड़ी के अंदर। आपको फ्यूल गेज भी मिल जाएगा, आपको डिजिटल ऑडोमीटर भी मिल जाएगा, LED हेडलाइट्स भी देखने को मिल जाएगी। जी दोस्तों LED हेडलाइट्स, पहले हैलोजन हेडलाइट्स आती थी, अब इसके अंदर LED हेडलाइट्स का भी इंतजाम कर दिया गया है। दोस्तों यामाहा RX 100 बाइक लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी और दमदार इंजन के साथ में कम कीमत में होने वाली है। इस बाइक में कंपनी जल्द से जल्द मार्केट में पेश करेगी। गाड़ी की बात करें तो एंट्री लेवल बाइक होने वाली है और दोस्तों इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं लोग बाग। दोस्तों इसकी क्या कीमत होने वाली है, कभी ये लॉन्च हो जाएगी? तो दोस्तों लॉन्च की भी डेट आई नहीं है, जैसे ही लॉन्च की डेट आ जाएगी हम आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से जरूर बता देंगे। और इसकी कीमत क्या होने वाली है तो दोस्तों आपको बता दें, 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए के आसपास में ये बाइक देखने को मिल जाएगी आप लोग। सो गाइस ओवरऑल काफी तकड़ी बाइक बनाई है यामाहा मोटर की ओर से और माना जा रहा है इसके अंदर दोनों टायर्स ट्यूबलेस देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। और गाइस काफी प्यारा लुक दिया गया है, नए मॉडल के जमाने से नया लुक देने को तैयार हो चुकी है यामाहा मोटर अपनी RX 100 के अंदर। और आने के बाद में देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर खूबियां होने वाली हैं। तो दोस्तों यामाहा मोटर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बाइकों को हमेशा से लॉन्च करती रही है। और गाइस आपको बता दें, यामाहा मोटर की और भी बहुत सारी महंगी महंगी बाइकें भी हैं, काफी स्पोर्ट बाइकें भी हैं, इनका माइलेज तो कम है बट वो एक स्पोर्ट बाइक कहलाई जाती है। तो दोस्तों यामाहा मोटर की RX 100 आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर हमारे चैनल या पेज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर से जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।